हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल करेज के किंग में। आज दोस्तों हमने स्पेशल आपके लिए कुछ चीज़ मंगवाई दोस्तों, और वो चीज़ इतनी ज़बरदस्त है दोस्तों, आप वास्तव में देखकर अचंभित हो जाओगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अमेज़ोन ने हमारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। सिंपल दोस्तों, हमें बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कुछ अमेज़ोन से कुछ स्पेशल मंगवाया दोस्तों। मैं ये वादा करता हूँ दोस्तों आपसे कि वास्तव में आपको ये चीज़ देखकर वास्तव में आपको बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आने वाली है। ये चीज़ दोस्तों वास्तव में खास है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि मैंने भी इसको, मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैंने स्पेशल आपके लिए चीज़ अमेज़ोन से मंगवाई। चलिए तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इसको सीधा अनबॉक्स करता हूँ, उसके बाद ही पता चलता है कि इसके अंदर वास्तव में क्या चीज़ है। चलिए सिंपल दोस्तों, सबसे पहले इसको कैंची से यहाँ से काट देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सिंपल दोस्तों, आपने देखा कि आज से लगभग 200-300 साल पहले कोई भी चीज़ हवा में उड़ाना वास्तव में आसान नहीं, लेकिन आजकल के लिए ये बात आम हो गई। तो उसी पर एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक छोटा सा बच्चों के खेलने का खिलौना ही कह दीजिए, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये दोस्तों। ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हवा में उड़ती है। इसका सेटअप करेंगे हम, इसको खोल के मैं बताऊँगा आपको, और उसके बाद इसको उड़ाने के लिए हम मैदान में लेके जाएंगे। तो सिंपल दोस्तों, मैं इसको पहले तो खोल लेता हूँ, देखता हूँ मैं इसके अंदर और क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो कागज़ है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है दोस्तों। तो सिंपल अब इसको खोल लेते हैं। वाह, ये देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर एक छोटी सी केबल आई है दोस्तों। मेरे को लगता है ये शायद इसको चार्जर करने के लिए, तो इसका तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है बटन, और इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है जो इसको उड़ाने का काम करता है, और छोटी सी एक चिप लगी हुई इसके अंदर, और यहाँ पर देखिए ये बटन दे रखा है इसको चालू करने के लिए। तो सिंपल, पहले तो मैं इसको सेट कर देता हूँ दोस्तों, फिर आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने ये इसको सेटअप करके तैयार कर दिया है। अब सिंपल मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करा देता हूँ, लेकिन पहले इसको मैं यहाँ से सारे माल को हटा देता हूँ, कचरे को, और ये इसको डस्टबिन में डाल देंगे कचरे को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका एक पावर बटन है, और यहाँ पर देखिए ये पंखा लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर चला था मैं, वाओ, इसकी तो खतरनाक आवाज है, बहुत जबरदस्त आवाज है।
चले दोस्तों इसको लेके चलते खुले मैदान में। उससे पहले आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। और आप हमारे को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी एक सपोर्ट और एक सब्सक्राइब की वजह से ही हमारे को ज़्यादा हौसला मिलता है और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसको खुले मैदान के अंदर लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम आ गए अपने खुले मैदान के अंदर। हमारे पीछे हमारे गांव का किला नज़र आ रहा है और इसका हम अब उड़ाकर देखते हैं इस कितनी ज़बरदस्ती हवा में उड़ती है। चलिए सिंपल, सबसे पहले इसको अब उड़ा देते हैं। यहाँ पर ही मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर देख पर बटन दे रखा है और ये पंखा, ये देखिए। अब सिंपल मैं इसको उड़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक, वहाँ से यहाँ तक आई है, लेकिन थोड़ा हवा का झोंका भी था इस तरफ, इसलिए वहाँ से हवा भी इसको यहाँ पर लेके आ गई। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसका एक बटन को दबाते 15 सेकंड तक चलती है और ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है। कहीं घूमने का भी कोई परेशानी नहीं, कहीं घूम जाए ऐसी कोई परेशानी नहीं। 15 सेकंड तक चलती है फिर वापस ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, फिर वापस अपन इसको ऐसे दबाकर चालू कर सकते देखा तो दोस्तों आपने कि वास्तव में चीज़ बहुत ही कमाल की, छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त हवा में उड़ती है दोस्तों। आशा करता हूँ जो हमारा जो वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।